पर क्यों फोकस बनाया जा रहा है, कितनी हजारों गद्दियां चल रही हैं, इस चीज उसका तो ऑब्जेक्शन नहीं उठा आज तक कि भाई जैसे राम रहीम रामपाल और आशाराम एक्सपोज किए गए ऐसे आपको कर देंगे, तो मैंने राम रहीम रामपाल और इसके जैसा कौन सा काम कर दिया। दूसरी बात, जो दारू है उसमें हमने शेड्यूल चेंज कर दिया, हम एक बोतल मंगाएंगे, दो सिगरेट मंगाएंगे और पांच लड्डू मंगाएंगे, फिर देखते हैं क्या आर्गुमेंट होते हैं मेरे ऊपर। अभी तक जो एक्स्ट्रा बोतल आई है तो उनको आपने जो वीडियो वो आप हमें दे सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको भी दूंगी और काफी मीडिया वाले आए थे, मैं नाम याद ना है, उन सबसे मैंने वो वीडियो दे दी है। पाखंड है, उनने पाखंड लागा तो लागण दो, जनता ने पाखंड ना लागना चाहिए और जनता का आराम होना चाहिए, बाकी मैंने किमें ना चाहिए। और मैं आपकी वीडियो में भी एक बात कहूँ, अगर मैं गलत हूँ तो जिसका नाम लेकर मैं बैठी हूँ वो मेरा सर्वनाश कर दे। है कि आपके जो हस्बैंड है वो खुद एक शराबी है, तो ऐसी है तो अपनी शराबी अपने पति की। मेरा हस्बैंड शराबी है, मैं ये चीज पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा हस्बैंड शराबी है तो वो कब सीख मेरे पास शराब छुड़ाने के लिए आया। दूसरी बात, खुद का झाड़ा खुद करना लग गया करे, तो अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करेगा इंसान। चल मैं तो खूब खराब हूँ और मैंने तो खूब खराब काम करे हैं और आज भी मैं कर रही हूँ, मेरे से लड़ाई है ना, अपने बच्चों के लिए तो कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बच्चे तो उसी के होंगे। वो इंसान ये कहता है कि ये बच्चे भी मेरे नहीं है, कराओ डीएनए मीडिया और कराओ सरपंच डीएनए मारे बच्चों का, आके उसके बच्चे हैं या नहीं है, ये इस तरीके का तो इल्म लगाए हैं उसने। और आज भी मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ और हजार कॉल मेरे फोन में पड़ी है, रिकॉर्डिंग पड़ी है, हमेशा वो रात को 11 बजे फोन करता है पी के, ठीक है, और फिर भी मैं उसकी बर्दाश्त करूँ। किस दिन वो मेरे पास दारू छुटवाने के लिए आया था कि आज मेरी दारू छुटा दे, अगर उसने मेरे तक कही हो आकर मैंने नहीं छुटवाई हो तो सारी जनता मेरे जूत मार सके, अगर तने नहीं छुटवाई दारू, मेरे अंदर कोई कमी ना है, ठीक है। अरनू का आग्रह, जिसको आदमी सिर पर ना हो ना उसका पीछे दुनिया पड़ा आग्रह, ऐसे मेरे पीछे पड़ रही है, पर मैंने इस चीज का कोई फर्क ना पड़ा, मैं अपना कर्म करूंगी और करती रहूंगी। नमस्कार मैम। आदेश जी, मैम जैसे कि आपका ये वो चल रहा है, आपने कहा था कि मीडिया को आप वीडियो बना के देगी, तो कोई ऐसी वीडियो आपने जारी की कि हम दबाते हैं या नहर में बातें हैं? हाँ, वो क्या किया जाए, वो वीडियो आप दोगे? हाँ जी। आज बाबा सुकराईनाथ मोखरा गांव में आए थे, इस चीज को पाखंड बताते हुए उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो आप उनके नाम के साथ नाथ संप्रदाय के नाम अपना वो जोड़ रही है तो वो सब पाखंड है, तो इस चीज को लेकर आपका क्या कहना? मैंने संप्रदाय के साथ ऐसा क्या पाखंड कर दिया, गुरु गोरखनाथ की गद्दी नाम लेके कहाँ नहीं चलती, बहुत से गांवों में चल रही है ये गद्दी। तो उन्होंने कहा है कि गोरखनाथ कभी भी ना झाड़ा लगाने के पक्ष में है ना और किसी पाखंडों के पक्ष में है। से सुकराईनाथ मिल के आए हैं कि उन्होंने मना किया है सुकराईनाथ से कि मैं झाड़ा लगाने के पक्ष में नहीं हूँ? तो सुकराईनाथ ने बताया कि ये सब पाखंड है और जो ये दारू चढ़ाने का ये सब बिजनेस के तौर पे किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दारू चढ़ाने के लिए जो सबूत चाहिए थे वो मैं मीडिया को दे दूंगी, ठीक है, और बताओ क्या चाहिए। सुकराईनाथ जी ने ये कहा कि जो बाल है बच्चेदार है परिवार है वो साध्वी नहीं हो सकती, वो साध्वी नहीं हो सकती। मेरे को साध्वी नाम भी मीडिया ने दिया था, मैंने तो कहा नहीं था मेरे को साध्वी नाम दो। दूसरी बात, जो सुकराईनाथ कहते हैं कि मैं ग्रस्त हूँ, तो बाबा भोलेनाथ भी ग्रस्त थे, भगवान राम भी ग्रस्त थे, श्री कृष्ण जी भी भक्त थे और ग्रस्त थे, और बाबा मच्छिंद्रनाथ ने भी ग्रस्ती की थी, उनके भी बच्चे हुए थे रानी मैनाकनी से, तो फिर उनको क्या कहेंगे बाबा सुकराईनाथ? मैं उनकी पदवी तो नहीं ले सकती, वो तो भगवान थे, पर ग्रस्त आदमी क्या भक्ति नहीं कर सकता? ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है कि ग्रस्त आदमी भक्ति नहीं कर सकता? क्योंकि साधु, उन्होंने कहा कि साधु संत जो मोह माया से दूर रहता है, जो ग्रस्ती से दूर रहता है, उसे ही साधु कहा जाता है, तो आप उन्होंने बोला कि वो साधु कैसे हो सकती है? मैंने कब कहा कि मैं साध्वी हूँ? मेरे को ये नाम भी मीडिया ने दिया, अब कुछ तो डाल ले नीचे कि भाई ये है वो है, ये भी नाम मेरे को तो मीडिया ने दिया, मैं तो इस चीज का दावा नहीं करती कि मैं साध्वी हूं। तो मैम इस चीज को पाखंड बताया जा रहा है कि पाखंड को? मैडम बहन जी, इस चीज ने कोई पाखंड बताओ, अंधविश्वास बताओ, जिसका आराम होगा ना वो तो मैंने मोखरा तक काट देगा तो मैं उठ भी जाऊंगा, ठीक है, एक मोखरा से निकाल सकता है, हरियाणा से निकाल देगा, वैसे इतनी उसकी चाल लेना है जो मैंने इतनी जगह तक निकाल दे, ठीक है। दूसरी बात, सुनो मेरी बात, और जो हमारा खेड़ी पाना है ना उसका जो सरपंच है वो हमारे साथ है, प्रमोद जी हैं जो रोज बनने के सरपंच है, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया है तो इस बारे में शाम को बातचीत भी होगी कि भाई उसने के दिक्कत आ गई ऐसी। और दूसरी बात, और भी कोई सरपंच है मोखरा से तो उससे भी बातचीत की जाएगी, बाकी मैं जिस पाने में मैं रह रही हूँ वो पाना मेरे साथ है, उसका सरपंच मेरे साथ है, और उसने एक वीडियो में कहा है कि भाई इसका हस्बैंड ऐसे बोला ऐसे बोला ऐसे बोला उसने ये। हाँ, ये उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई है कि आपके जो हस्बैंड है वो खुद एक शराबी है, तो ऐसी है तो अपनी शराबी अपने पति की। मेरी बात, मेरा हस्बैंड शराबी है, मैं ये चीज पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा हस्बैंड शराबी है तो वो कब सीख मेरे पास शराब छुड़ाने के लिए आया। दूसरी बात, खुद का झाड़ा खुद करना लग गया करे, चल लाग भी जा ना भी लग गया, इस चीज का मैं कोई तर्क नहीं रखना चाहती।
तीसरी बात यह है कि मेरे हस्बैंड, मेरे को आज तक ये लगता था कि मेरा हस्बैंड मेरा साथ है अगर उसने कोई बातचीत की है तो, पर मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ही है। बाकी वो ये कहता है कि मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर इसने पाखंड बंद नहीं किया तो। बेशक वो रिकॉर्डिंग वायरल करे, चाहे वीडियो वायरल करे, और चाहे कुछ भी करे, कहना तो नहीं चाहती। सनी लियोन भी गंदी फिल्में बनाती थी ना, और उसके बाद भी उसने अब हमारे इसमें इंडिया में आके अच्छी फिल्में भी बनाई, और उसका सच सत नमन भी हुआ जब उसने फिल्में बनाई। तो ये कोई बात ना है, अगर मेरी वीडियो किसके पास है ये कोई दिखाए आके, जब मेरे को कोई एक्सपोज कर सकता है, और किसी के एक्सपोज करने से मैं एक्सपोज हूँगी नहीं। ठीक है, रही अगली बात कि भाई मेरे को ये बोलते हैं कि भाई ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, मैं कैसी भी हूँ, मेरा कर्म बोलेगा कि मैं कैसी हूँ। ठीक है, मैंने मीडिया को स्टार्टिंग में पवन जी को सब कुछ साफ साफ बता दिया था जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, नहीं तो मैं छुपाने के लिए बहुत कुछ छुपा सकती थी। मैं क्यों करूं पत्रकारों से बात, मैं हर पत्रकार से बात करती हूं ना, नहीं तो और भगत हैं, और गद्दियां चल रही हैं, वो उनसे मिलने के लिए आपको 3-3 घंटे वेट करना पड़ेगा, और मिले तो मिले ना भी मिले, और फिर भी मेरे यहाँ कोई आता है तो मैं उसको हर एक को टाइम देती हूँ, चाहे मैं जनता छोड़ दूँ और पत्रकार को टाइम दूंगी। मैंने अपनी लेके बचपन से और आज तक की सारी कहानी मीडिया को बताई है, उसमें अगर मैंने कहीं झूठ बोला हो, और रही मेरी पहले की बात, दुनिया की उड़ाया करे जी, जिसका आदमी साथ ना दे वो आदमी पियर मरा हुआ है, भाई के पास, भाभी के पास, तो उसके बारे में दुनिया भर नक्के के अफवाह उड़ाते हैं। पर 3 साल से जब से मैंने गद्दी ली है, जब से मेरे बारे में कोई कुछ कह सकता है, कोई तो ये कहे गुंडे पालती है, कोई ये कहे कि बाउंसर रखती है, कहां से बाउंसर गुंडे पालूंगी, रहने का तो एक तक अच्छा स्पेस होया करूं, कमरों तक भी सह को नहीं रहने खातर, तो के बाउंसर पालूंगी मैं, और के मैं अपना PSO पालूंगी। सुकराई नाथ जी हैं, साध्वी जी हैं, जो कि देवा ठाकुर हैं, उन्होंने ये कहा कि बच्चादानी निकलने के बाद 3 बच्चे हो गए। पहली बात तो उनको ये नहीं पता कि मेरे 3 बच्चे नहीं हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और वो भी मेरी बच्चादानी निकलने से पहले हुए थे। ये तो बेवकूफ़ से बेवकूफ को पता है कि बच्चादानी निकलने के बाद बच्चा नहीं होता, तो कैसे इंटरव्यू देने लग रही हैं, अजीब अफवाह, जनता अपना आप भी पता नहीं के समझ ले है। दूसरी बात, जो दारू है उसमें हमने शेड्यूल चेंज कर दिया, हम 1 बोतल मंगाएंगे, 2 सिगरेट मंगाएंगे और 5 लड्डू मंगाएंगे, फिर देखते हैं क्या आर्गूमेंट होते हैं मेरे ऊपर। मतलब 1 बोतल आपने बंद कर दी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा बोतल कहीं पे वेस्ट करनी पड़ती है, इसलिए। तो मैम अभी तक जो एक्स्ट्रा बोतल आई है तो उनको आपने जो वीडियो वो आप हमें दे सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको भी दूंगी, मैंने ग्राउंड मीडिया को भी दी है, HSCG मीडिया आई थी कोई उसको भी दी है, और काफ़ी मीडिया वाले आए थे, मैं नाम याद ना है, उन सब से मैंने वो वीडियो दे दी है। ठीक है, और आप भी लेके जाना और इसको दिखाना कि हमने कल उन बोतलों का क्या किया है। 200-250 करीब वो बोतल थी, वो हमने चढ़ा दी है। ठीक है, पहले की हमने वीडियो बनाई नहीं थी कि हमने सोचा नहीं था कि इस चीज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठेगा, नहीं तो हम पहले वीडियो बना लेते, पर अब हमने बना ली है तो हम आपको दे देंगे उस चीज़ की वीडियो। रही सुल्फा खान जी की बात, वो चढ़ता है तो उनको हैंड टू हैंड वापस कर देते हैं, मंदिर में रखते नहीं है। और बताओ जी। तो मैम 7 तारीख को पंचायत होएगी मोखरा गांव में, और साथ में गांव का सरपंच भी होगा, और जो साधु मैडम जी, आपको ये नहीं पता इस गांव में 4 सरपंच है। ठीक है, 4 सरपंच है, तो 1 सरपंच के करने से कुछ होगा नहीं। बाकी प्रमोद जी हैं, उन्हें क्या तकलीफ हुई मेरे इस काम से, वो तो शाम को बात हो जाएगी, पूछ लेंगे उनसे, भाई हमारे जो हैं बड़े बड़े आदमी, सामाजिक आदमी, वो सारे पूछेंगे भी भाई तेने क्या तकलीफ हुई। बाकी देखो, जब तक सरपंच खुद नहीं कहता तब तक हम इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे। सुकराई नाथ ने बोला है वो मेरे हस्बैंड की वीडियो वायरल करे, रिकॉर्डिंग वायरल करे, मेरे उस चीज़ से कोई फर्क ना पड़े। मैं तो पहले ही कहती हूँ कि मेरे को उसने छोड़ रखा है, नहीं छोड़ रखा है, या मैंने उसको छोड़ रखा है। रही मेरे हस्बैंड की, इसने एक बात और कही है कि इसने बच्चों से मिलने नहीं देती। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी मम्मी के पास, उसका खर्चा मेरा भाई उठाता है, आर्मी में है मेरा भाई है नायक, तो अच्छी पोस्ट, उसकी सैलरी अच्छी, फिलहाल सिक्किम में है। ठीक है, और जो मेरा बेटा है उसको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक, उसको मैं पढ़ाती हूँ, तो उसको तो मैं 8 साल से पढ़ाती हूँ, गद्दी तो मैंने अब 3 साल से ली है, तो क्या मैं यहीं के खर्चे से पढ़ाती हूँ उसको? तो मैम, मैंने आपका इंटरव्यू उस दिन लिया था, उस दिन आप बोल रहे थे कि आपके पति डॉक्टर है और आपसे मिलने भी आता ससुराल पक्ष, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? दिवाली वाले दिन, मेरी एन बड़ी दिवाली वाला दिन तो मेरी सासू आई थी, कबीरपंथी है वह, ठीक है, और दिवाली से 2 दिन बाद भैया दोज वाले दिन मेरा हस्बैंड आया था मिलने, और बच्चों से मिलकर गया, और फिर 2 दिन बाद फिर आया मिलने। हर 1-1.5 साल में 6 महीने वो मिल कर जाओ मेरे बच्चों से, जब मेरे बच्चे हॉस्टल से आते हैं दिवाली के आसपास में ही। ठीक है, मान ले मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड को गलत बताऊं। बाकी वो बोल रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग वायरल कर देंगे, क्या पता हस्बैंड को इस चीज़ से दिक्कत होगी हो कि ये तो पब्लिसिटी होगी, भाई ये तो अच्छी इमेज बनेगी इसकी, तो मैं इसकी बात उड़ाऊं, ऐसा हो सकता है, पर मेरे को लगता नहीं है कि मेरा हस्बैंड ऐसा करेगा। वो बहुत ही समझदार और सामाजिक आदमी, वो कभी भी मेरी बुराई नहीं करता, कभी भी।
थी। बाकी अब उसका दिमाग में समाज ने कुछ बैठा दियो तो उस पर मैं कुछ कह भी ना सकती। मैम जैसे आप अपने लड़के को आप पढ़ा रहे हो और आपकी गुड़िया को आपका भाई पढ़ा रहा है, लेकिन कोई भी महिला मेरे हिसाब से ये नहीं चाहेगी कि अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ के और कोई दूसरा काम पकड़े। तो क्या अनबन रही है परिवार के साथ? अपना जो भारत देश है इसमें कितनी लेडीजों का तलाक हो चुका है? हो चुका है ना। कोर्ट में कितने केस पेंडिंग पड़े हैं? पड़े हैं। एक मेरे ऊपर ही क्यों फोकस बनाया जा रहा है? कितनी हजारों गद्दियां चल रही हैं इस चीज, उसका तो ऑब्जेक्शन नहीं उठा आज तक। ये बोलते हैं जो सुकराईनाथ जी हैं, वो ग्राउंड मीडिया वाला बोल रहा था कि भाई जैसे राम रहीम रामपाल और आशाराम एक्सपोज किए गए ऐसे आपको कर देंगे। तो मैंने राम रहीम रामपाल और इसके जैसा कौन सा काम कर दिया जो मेरे को एक्सपोज करेंगे? मैं कौन सा तो गैर कानूनी काम करती हूँ? सबूत तो रखे जाएंगे मीडिया के सामने कि भाई इस सबूत के बेस पे हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं उनका कहना कि ये सब जो किया जा रहा है ये एक पाखंड है। पाखंड है, उनने पाखंड लागा तो लागण दो। जनता ने पाखंड ना लागण चाहिए यार, जनता का आराम होना चाहिए, बाकी मैंने किमें ना चाहिए। और मैं आपकी वीडियो में भी एक बात कहूँ, अगर मैं गलत हूँ तो जिसका नाम लेकर मैं बैठी हूँ वो मेरा सर्वनाश कर दे। मेरा एक बेटा है। मैम आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर और कोई गद्दी पे बैठे या कोई और, क्योंकि सबको अपने माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। अब यह का जवाब सुनो आप जी। मेरी जब शादी हुई तो मेरा हस्बैंड है ना भर्ती देखा करता, ठीक है। उसके बाद उसने भर्ती भुर्ती देखनी सब छोड़ दी। हमें एक फौजी की बेटी था और हमने अपना घर में कभी कुछ काम ना किया, तो उस घर में जाकर हमने भैंस भी पाली, खेता में भी काम करा, पिटा भी और कुटा भी और भक्ति भी करी हमने साथ साथ। उसके बावजूद 5-5 ऑपरेशन मेरे माता पिता ने और मेरे भाई ने कराए, उसने एक ऑपरेशन नहीं कराया। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, आज भी मेरे लिए सोने जैसा है, ठीक है। दूसरी बात, जब 5 ऑपरेशन हुआ बच्चादानी का, जब वो मेरे को इस बेस पे छोड़ के गया कि मेरे किसी काम की नहीं है और ना ही घर में कोई काम कर सकती है, तो जब वो मेरे को लेके नहीं जाएगा तो मेरा भी तो कोई आत्मसम्मान होगा? फिर मैं क्यों जाऊँ जब लेने ना आया तो मेरे को? तो मैंने, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से जो दुनिया को दिखता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो एक महिला के अंदर का दर्द होता है वो अलग चीज़ होती है। देखो जी, पाली गाँव है, पाली गाँव में जो परिवार है मेरा, मेरा पोलियाड़ा बोलिया अगर हमारा परिवार ने किसी तरह भी जाकर यूँ बूझ लो कि हम कैसा था, ठीक है। दुनिया आज हम उत्तर निकल, जिस दिन मैं उत्तर निकल कर आई थी उस दिन भैंस भी छोड़ कर आई थी, गाय भी छोड़ कर आई थी और घर में नाज भी भर कर आई थी, भरपूर का। आज उस घर में आप जाकर देखो, अगर टोनी उसको नाम है, उसने गांव में टोनी कहा करें, जोगिंदर सिंह, आज उसका घर में वो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे है, बल्कि ज़्यादा ही होगी या कम होगी मन ना बेरो, उसका घर में एक खोरी लागू नहीं पाओगे आपने। अगर उसको घर बसाना है तो अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करेगा इंसान। चल मैं तो खूब खराब हूँ और मैंने तो खूब खराब काम करे हैं और आज भी मैं कर रही हूँ, मेरे से लड़ाई है ना, अपने बच्चों के लिए तो कुछ करेगा कि नहीं करेगा? बच्चे तो उसी के होंगे। वो इंसान ये कहता है कि ये बच्चे भी मेरे नहीं है, कराओ डीएनए मीडिया और कराओ सरपंच डीएनए मारे बच्चों का, आके उसके बच्चे हैं या नहीं है, ये इस तरीके के तो इल्म लगाए हैं उसने। और आज भी मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ और 1000 कॉल मेरे फ़ोन में पड़ी है, रिकॉर्डिंग पड़ी है। हमेशा वो रात को 11 बजे फ़ोन करता है पी के, ठीक है, और फिर भी मैं उसकी बर्दाश्त करूं? किस दिन वो मेरे पास दारू छुटवाने के लिए आया था कि आज मेरी दारू छुटा दे? अगर उसने मेरे तक कही हो आकर मैंने नहीं छुटवाई हो तो सारी जनता मेरे जूत मार सके, अगर तने नहीं छुटवाई दारू, मेरे अंदर कोई कमी ना है, ठीक है। अरनू का आकर जिसको आदमी सिर पर ना हो ना उसका पीछा दुनिया पड़ा कर, ऐसे मेरे पीछे पड़ रही है, पर मैंने इस चीज़ का कोई फर्क ना पड़ा, मैं अपना कर्म करूंगी और करती रहूंगी। क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान देश है, अगर गलतियां आदमी में भी होती है फिर भी उंगलियां महिला पर ही उठाई जाती है। श्रद्धालु जो यहाँ पर आपके श्रद्धालु आते हैं आपको मान, देखो जी इन तक तो मेरी आवाज जाना रही जी। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी, सरदाई के नाम है, सुकराईनाथ जी हैं, नाथपंथ के गद्दी सीन है, मान ले हमारे पीठेश्वर है वो, और साध्वी ठाकुर हैं, और एक सोनीपत साइड के भी है कोई, रामेश्वर जी है, रामपाल जी ऐसा कुछ नाम है उनका। एक हमारे सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब की तो हमें कुछ पता नहीं है तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। 3 हैं, ग्राउंड मीडिया वाले ने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। देखो अगर मैं गलत कर रही हूँ, समाज को कहती हूँ ये बात, अगर मैं गलत कर रही हूँ और किसी का आराम ना हो तो पूरा बेशक कती मत आइयो मोखरा गांव में, और कहीं का आराम हो ना तो खूब आओ झाड़ा लगवाओ। और अगर मेरे को मोखरा गांव से निकाला जाएगा, पहली बात तो ये जो खेड़ी पान है जिसमें मैं रह रही हूँ मेरे को जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। 24 घंटे जो मेरे पास आदमी रहते हैं वो सब बोल लेंगे। दूसरी बात, किसी कारण से इनके ऊपर भी दबाव आ जाता है और मेरे को निकाला जाता है, प्रशासन का दबाव लगा लो, गांव समाज का लगा लो, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बुलाऊंगी और उसमें मैं खुद कहूंगी मीडिया वालों को बुला के कि अगला डेरा मेरा वहां है, और श्रद्धालु तो वहां भी पहुंचेंगे जिनका आराम होगा। और उरा आनी आकन मैं पहला सीखाया करती नहीं, 90% कहूँ कि आराम हुआ है,
आओ तो सही, झाड़ा लगवाओ तो सही, फिर मेरो पाठ जाएगा, मेरो पाखंड है कि अंधविश्वास है। आदेश। थैंक यू मैम।